के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल आ गया जी इंश्योरेंस का। ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बाद लोग फिर ये एतराज़ करते हैं, यानी इस्लाम पर भी बाद लोग एतराज़ तक पहुँच जाते हैं लोग कि यार ये एक शख्स की मर जाता है, उसके पीछे बीवी बच्चे तबाह बर्बाद हो जाएँ, तो इसमें आखिर क्या इस्लाम को एतराज़ है इंश्योरेंस में, और उसमें भी अब इस्लाम एक इस्लामिक इंश्योरेंस भी आ गई है तकाफुल जिसे कहते हैं, तो क्या इसको मतलब है इस्लाम को इस पे एतराज़ है या नहीं? नहीं, इस्लाम को इंश्योरेंस पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है। मैंने तो बार बार ये चीज़ डिस्कस की है कि हमें इख्तलाफ है इंश्योरेंस कंपनियों का जो कारोबार का तरीका है वो सूदी है। अगर उनका कारोबार का तरीका सूदी ना हो और वो इंश्योरेंस करें तो इंश्योरेंस से बड़ी नेकी कोई नहीं। हमारे ऑफिस के अंदर जो है वो हज़ारों की तादाद में ड्राइवर्स हैं, किसी ना किसी से एक्सीडेंट हो ही जाता है, तो ड्राइवर्स ने आपस में मिलके एक छोटा सा तकाफुल बनाया हुआ है कि वो हर महीने 50 रुपये उस फंड में देते हैं, और हमारे ऑफिस की पॉलिसी है कि अगर एक्सीडेंट हो गया ना, ठीक है, तो ड्राइवर ने अपनी भी गाड़ी ठीक करवानी है, दूसरे की भी, चाहे गलती किसी की भी है। और ये सही है क्योंकि मैंने देखा सरकारी ड्राइवर अमूमन बदमाश होते हैं, बड़ी बसों में बैठे उनको परवाह नहीं होती उसी सरकारी है अमूमन, बिल्कुल ऐसे, बाकी बेचारे सहम के चल रहे होते हैं। जब उनके ऊपर ये तलवार लटकेगी ना कि हमने ठीक करवाना है, तो काफी हद तक सहमेंगे। तो इस तरह के जब मामलात होते हैं ना, तो वो फिर वो जो उन्होंने एक फंड कायम किया है उसमें से वो पैसे लेके तो वो गाड़ी को ठीक करवा देते हैं, वो मुश्तरका फंड है, इंश्योरेंस की ही एक फॉर्म है ये। हमें उस सूदी मामलात से है, हम इंश्योरेंस को तो कोई भी नहीं गलत कहता, इंश्योरेंस को गलत इसलिए डायरेक्टली वो कह रहे होते हैं कि वो चूंकि सूदी काम के ऊपर आपसे पैसा लेके सूदी कामों में लगाते हैं, या हुकूमत पे सूद को सूदी कर्जा देते हैं, उससे सूद लेते हैं, उसी में से आपको डिविडेंड दे रहे होते हैं, उससे इख्तलाफ है।